जय फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करने जाऊंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी भौतिक सुख सुविधाएं खुशी की जिम्मेदार है, लेकिन ये गलत कथन है। और ये जो हमारे ब्रेन में जो पैटर्न बने हुए हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है। मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, मैं दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रहा था उस टाइम। तो जॉब पे आने जाने के दौरान रास्ते में कुछ झुग्गियों से गुजरना पड़ता था, तो उसमें मैं डेली एक चीज ऑब्जर्व करता था कि उन झुग्गियों के बीच से एक लड़की डेली सामने बैठी मिलती थी, जो एक रात का बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा लेकर के और बाहर बैठ के कभी खाती रहती थी, कभी दोस्तों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन वो इतना उसके अंदर एक खुशी होता था, एक उस चेहरे का जो स्माइल वो दिल को एकदम छू जाता था। तो उस टाइम से मैं रियलाइज किया कि ये बिल्कुल गलत बात है। खुश रहने के लिए हमें बाहर की कोई चीज न भी हो, एक हमारी हार्दिक अभिलाषा होनी चाहिए कि हमें किसी भी हालत में खुश रहना है, तो बाहर के सारे दुख परेशानी आपको सताने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इसे हम सभी इस चीज को फॉलो करेंगे ताकि बाहर की दुनिया हमें कांटे जैसी नहीं लगे, क्योंकि अंदर से हम जितने स्ट्रांग होंगे, जितने खुश मस्त होंगे, बाहर उतना ही अच्छा सब चीज दिखना शुरू हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की जो एक स्टोरी है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, फनी स्टोरी है जो इंग्लिश में है, उसे मैं हूबहू पहले इंग्लिश में बताऊंगा और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है, इसका टाइटल है डज द डॉग नो, यानी कि क्या कुत्ता जानता है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। वंस देयर वर टू क्लासमेट्स, यानी कि एक समय या एक बार की बात है, दो सहपाठी हुआ करते थे, मतलब एक ही वर्ग में पढ़ने वाले दो दोस्त थे, पैट एंड टॉम, उनका नाम था पैट एंड टॉम। ऐसे भी अंग्रेज लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं, पैट, टॉम, डॉग, मतलब थोड़ा ऐसे कहना बना होता है। अपने जो भारतीय लोगों के नाम होते हैं तो थोड़ा अजीब होते हैं, मतलब अच्छे बुरे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके हिसाब से वो अच्छे हैं, हमारे हिसाब से। तो जो पैट और टॉम दो दोस्त होते हैं, वन डे पैट वेंट टू टॉम्स हाउस, एक दिन पैट जो है वो टॉम के घर गया टू बोरो अ बुक, कुछ किताबें उधार लेकर के पढ़ने के लिए, यानी कि कुछ किताबें ला करके, बोरो का मतलब होता है कि ला करके रखना नहीं, ला करके फिर पढ़ करके फिर वापस देने के लिए बोरो। ऑन द एंट्रेंस, उसके घर के प्रवेश द्वार पे, ही फाउंड अ डॉग स्टैंडिंग, उसने देखा एक कुत्ता खड़ा हुआ था। सिंग पैट इट स्टार्टेड बार्किंग, यानी कि जब वो पैट को देखकर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। पैट गॉट फ्राइटेंड, और पैट जो था एकदम से भयभीत हो गया। टॉम केम रनिंग एंड हेल्ड हिज डॉग, जो टॉम देखा तो दौड़ा हुआ आया और अपने कुत्ते को पकड़ लिया। पैट वाज स्टिल ब्रीदिंग हेवीली, फिर भी उसने अपने कुत्ते को पकड़ लिया, फिर भी वो कुत्ते का भौंकना इतना खतरनाक था, इतना डर चुका था कि अभी भी उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। एट दिस टॉम सेड, इस पर टॉम ने कहा, पैट डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट, टॉम बताता है पैट को कि वो कुत्ता
जो जोर से भौंकता है वो काटता नहीं है। पैट सेड, इस पर पैट बोलता है, यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब, यानी कि ये जो कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ये जो कहावत है हम, मैं और तुम जानते हैं, बट दिस डॉग डजंट नो, यानी एक कुत्ता जो है ये इस कहावत को नहीं जानता। वो तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, ये कुत्ता इस चीज को थोड़ी जानता है। बोथ आर फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टली, इस बात को सुन करके दोनों जो दोस्त थे वो जोर जोर से हंसने लगे आपस में। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये कहानी आपको भी एक गुदगुदी प्रदान करेगी, और ये कहानी अच्छे से समझ करके आप भी एक बार पूछेंगे, हंसेंगे नहीं तो एक गुदगुदी तो जरूर महसूस होगी अंदर से, और यही गुदगुदी मेरा उद्देश्य है। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, जिंदगी के हर एक पहलुओं को एंजॉय करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो।